जब मैं सुबह आई तो मैं आशा बहन से मिली तो मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हुई। मतलब मेरे को इतनी पॉजिटिविटी मिली, और जैसे ही इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बाबा बाबा के साथ कैसे मिले, कैसे आए, और फिर उसके बाद मैंने इनको बोला कि मेरा भी थोड़ा टेस्ट ले लो कि मुझे कितनी नॉलेज है बाबा के बारे में। तो फिर इन्होंने मेरा टेस्ट लिया और मैं पास हो गई। बाबा का लॉ है, और मैं बाबा क्यों बोल रही हूँ पता है? मे भी कईयों को ज्ञान नहीं होगा, वैसे तो सारे ब्रह्मा कुमारी से आए हुए हैं ना आज तो, बट इट्स ओके, मैं बोलती हूँ। तो मैं बाबा हम प्यार से इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमारा परमात्मा है। हम जब दीदी बात कर रहे थे कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, कसम से मेरे मुंह से कुछ निकला ही नहीं। नहीं तो मैं सबसे पहले मैं बोलती मैं मुंबई से आई हूँ, नहीं मेरे से निकला ही नहीं, क्योंकि भगवान ने मेरे को रोक के रखा। वो चाहते थे कि तू ये बोल के मैं पहले तेरे वर्ल्ड से आई हूँ, तूने मेरे को भेजा है। सच में यहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी है कि मतलब तुम्हें फील ही नहीं होता कुछ, तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हुआ होगा ना लाइफ में, तुम्हें फील ही नहीं होगा। तुम ये सोचोगे कि परमात्मा ने हमें गोद में रखा हुआ है। मुझे ऐसा फील हुआ कि परमात्मा की गोद गोद में हूं मैं इस टाइम, ये फील कर रही हूं क्योंकि मैं उनका बच्चा हूं ना। इसलिए पहले तो हमें सबको यही याद रखना है, हम जितनी भी आत्माएं बैठी हैं ना, ठीक है, मुझे किसी का नाम नहीं पता, आप सबको मेरा जरूर पता होगा क्योंकि मैं फेमस हूं। हम सब आत्माएं, ए फॉर एप्पल, बट जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई तो मुझे सीखने को मिला, मेरे को हर्षा बहन पूछते हैं ए फोर क्या होता है, मैंने कहा एप्पल, कहते नहीं ए फोर आत्मा, बी फोर बाबा, सी फोर भूल गई मैं क्या था, क्या कनेक्शन, डी फोर ड्रामा। ठीक है, तो हम सभी एक ड्रामा में हैं। ये सोच लो कि हम जो यहाँ पे जो भी कर रहे हैं ना, हम अपना कर्मा बना रहे हैं। अभी तुम्हारे ऊपर है तुमने किस रास्ते जाना है। थैंक यू, मेरा इतना वॉर्म वेलकम करने के लिए, इतनी इज्जत मिली है ना मुझे, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को मुझे मिलती है, बट ये लाइव फर्स्ट टाइम मिली है।